राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्रों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोटा में छठी मंजिल से गिरने से एक कोचिंग स्टूडेंट की मौत हो गई। गुरुवार रात को 11 बजे एक छात्र अपने 3 दोस्तों के साथ बालकनी में बैठा था। कुछ देर बाद चारों दोस्त वहां से उठकर जाने लगे, जिस दौरान एक छात्र उठकर चप्पल पहनने लगा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह फिसल गया। वह पास ही बालकनी में लगी जाली को तोड़ते हुए सीधा नीचे जा गिरा। वहीं हादसे की जानकारी लगते ही दूसरे स्टूडेंट भी मौके पर पहुंच गए। छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से स्टूडेंट का चेहरा काफी ज्यादा बिगड़ गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार वालों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना को लेकर डीएसपी ने बताया कि इस हादसे की जानकारी लगते ही दूसरे स्टूडेंट भी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद छात्र को तलवडी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से स्टूडेंट का चेहरा काफी ज्यादा बिगड़ गया था। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी का कहना है कि ये सुसाइड का मामला नहीं है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है, इसमें बच्चे का बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बच्चा गिर गया था। फिलहाल देश दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।